यू डोंट ट्रस्ट यूर फ्लैश कि आप अपने प्राण पर भरोसा नहीं करते हैं. यू डोंट इवन ट्राई आप कोशिश भी नहीं करते हैं. I used to try. मैं कोशिश करता था. Now, अब the more I try, और जितना मैं कोशिश करता हूं, the more I get dry, उतना मैं सूख जाता हूं. The more the devil fries, और उतना ही ज्यादा शैतान तलता है, fry करता है. I understood. मैं समझ गया. I understood. मैं समझ गया. ना तो बल से और ना शक्ति से तेरे आत्मा के द्वारा होगा. I understood that. मैं समझ गया इस बात को. हे दयालु प्रभु तेरे बिना मेरी आशा दौड़ व्यर्थ है. पालक की पांच रोटी और दो मछली है, लेकर इसे आशीषित करके दे दे. युद्ध मेरा नहीं प्रभु तेरा है, स्थिर व शांत करके दिखा दे. शत्रु महानद के समान तैयार है, हे प्रभु की आत्मा झंडा उठा ले. यीशु तू मेरे मुख द्वारा बात कर, हमें अपने लहू में छिपा. No one should boast. और कोई भी बढ़ चढ़ कर ना बोले. You cannot fight the devil. आप शैतान से नहीं लड़ सकते. 100% no. 100% नहीं. He is not ordinary person. वो साधारण व्यक्ति नहीं है. He is a spirit. वो एक आत्मा है. If you are a flesh, अगर आप एक प्राणी हैं, He will eat you. वो आपको खा लेगा. The Bible says. Bible कहती है. When God cursed. जब परमेश्वर ने श्राप दिया सैतान, सांप को, श्राप को, यू नो व्हाट गॉड सेड टू सैतान, आपको मालूम है शैतान को परमेश्वर ने क्या कहा? सर्पेंट, सांप, सर्पेंट, सांप, यू विल क्रीप ऑन द अर्थ, तू पेट के बल चलेगा, यू विल ईट द डस्ट, और तू मिट्टी खाएगा. क्या खाएगा? क्या खाएगा? मिट्टी. शैतान का खाना क्या है? शैतान का खाना क्या है? बिरयानी है. बिरयानी है. चपाती है. चपाती है. रोटियां हैं. रोटियां हैं. क्या है? क्या है शैतान का खाना? हाँ, मिट्टी. 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 यू नो कहाँ मिट्टी है? आपको मालूम है मिट्टी कहाँ है? हमारा पूरा बॉडी मिट्टी है. हमारा पूरा शरीर मिट्टी है. क्या मिट्टी सर्पेंट के साथ लड़ाई करेगा? क्या एक मिट्टी सांप के साथ लड़ाई करेगा? आई एम ए मिट्टी. मैं मिट्टी हूँ. आई फास्ट 40 days. मैंने 40 दिन उपवास किया. शैतान कम. शैतान आ आ आ खा लेगा. खत्म. खत्म. मैं कोशिश कर रहे हैं. मैं ट्राई कर रहे हैं. मैं कोशिश कर रहे हैं. क्यों? पवित्र जीवन जी के लिए, जीना के लिए ट्राई कर रहे हैं. पवित्र जीवन जीने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं. मैं कोशिश कर रहा हूं. हेलो मिट्टी. हेलो मिट्टी. हेलो नागपुर मिट्टी. हेलो नागपुर की मिट्टी. गुजराती मिट्टी. गुजराती मिट्टी. महाराष्ट्र मिट्टी. महाराष्ट्र की मिट्टी. क्या आप कोशिश करेंगे शैतान के साथ लड़ने के लिए? क्या आप कोशिश करेंगे शैतान से लड़ने के लिए? शैतान बोलेगा आहा, टुडे मिट्टी बिरयानी मिल गया. शैतान बोलेगा आहा, आज तो मुझे मिट्टी बिरयानी मिल गई है.
गुजराती मिट्टी बिरयानी है, गुजराती मिट्टी बिरयानी, मराठी बिरयानी, मराठी मिट्टी बिरयानी, वाओ उत्तर प्रदेश बिरयानी है, उत्तर प्रदेश मिट्टी बिरयानी है। भैया भैया ये ट्राइंग नहीं करना, कोशिश नहीं करना। देयर इज नो गुड थिंग इन द फ्लश। और देखिए कोई भी भली चीज प्राण में शरीर में नहीं है। If you understand it, अगर आप इस बात को समझ जाएंगे, you take first step for a godly life. आप एक ईश्वरीय तत्व जीवन के लिए आप पहले कदम को निकालेंगे। You know why I say that? आपको मालूम है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? None of you would have cried like me. आपने मेरे जैसा कोई भी ने रोया नहीं होगा। Whenever I didn't live, I couldn't live a holy life. और जब कभी मैं एक पवित्र जीवन नहीं जी पाता था। As a teenager. एक जवान व्यक्ति के तौर पे। In my 20s. मेरे 20वें साल की उम्र में। I used to take my Bible. मैं अपनी बाइबल को ले लेता था। Go to the hotel room. मैं होटल में रूम में जाता था। That is the only thing I spent money in my younger days. और सिर्फ एक ही चीज थी जिसमें मैंने अपनी जवान अवस्था में पैसे को खर्च किया। Especially a Christian YMCA like that. और विशेष करके YMCA जो क्रिश्चियन लोग का होता है उसमें। Shut myself. मैं अपने आप को दरवाजे के अंदर बंद कर देता। Without looking at anybody. और बिना किसी को देखे। Whole week I used to cry. एक हफ्ते उस कमरे के अंदर मैं रोता रहता। Make me holy, Lord. मुझे पवित्र कर दे प्रभु। My eyes are dirty, Lord. मेरी आंखें बुरी है प्रभु। I couldn't control my anger, Lord. मैं अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं कर पाता। Thoughts come to me, Lord. गंदे गंदे विचार आते प्रभु। Help me, Lord. मेरी मदद करे प्रभु। Change me, Lord. मुझे बदल दे प्रभु। And I had some Lutheran song. और मैं लूथरन गाने गाता। I am a Lutheran. मैं एक लूथरन हूँ। I used to sing some song. और मैं कुछ गीत को गाया करता। That song will be like a beggar song. और वो गीत ऐसे होते जैसे भीख मांगने वाले। Have mercy upon me. मुझ पर दया कर, मुझ पर दया। Come down, Lord. नीचे आ जा प्रभु। I tried all the gimmicks. और देखिए मैंने हर एक हड़कंपे को मैंने अपनाया। After my fasting 1 week. और मेरे एक हफ्ते उपवास करने के बाद 5-6 days. 5-6 दिन के बाद 7th day. 6-7 दिन. One lady nice look at me. और एक अच्छी औरत ने मुझे अच्छे से देखा। This is मिट्टी। ये मिट्टी है। Pray in tongues. आइए अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। अब लोग पीछे वाले अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। युद्ध मेरा नहीं प्रभु तेरा है, स्थिर व शांत करके दिखा दे। शत्रु महानद के समान तैयार है, हे प्रभु की आत्मा झंडा उठा ले। Can I tell you? क्या मैं आपको बताऊं? You failed million times. आप लाखों बार हारे गिरे। You took so many decisions. आपने इतने सारे निर्णय लिए। You really wanted to please God. आप सच्ची में परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते थे। Nobody enjoys sin. और कोई भी आनंद नहीं लेता पाप का। Especially when you become a Christian. विशेष करके जब जब आप एक मसीह बन जाते हैं। When you become a new creation. जब आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। Sin is not your home. और देखिए जो पाप है वो आपका घर नहीं है। You struggle. आप संघर्ष करते हैं। You don't want to be there. आपको गंदगी नहीं लगना चाहिए। You don't like that thought. आप वो विचार को नहीं पसंद करते। You don't like that talk. आप वो उस बात को पसंद नहीं करते। You hate the touch. और आप उस छुअन को नफरत करते। But you don't know. लेकिन आपको Suddenly you fall. और अपने आप गिर जाते। The reason is, जो कारण ये है, without me, मेरे बिना, you can do nothing. तुम कुछ नहीं कर सकते। Jesus said, यीशु ने कहा है, without me, मेरे बिना, you can do nothing. तुम कुछ नहीं कर सकते। Jesus said, यीशु ने कहा, I am the true wine. मैं एक सच्ची दाखलता हूँ। I am the true wine. मैं एक सच्ची दाखलता हूँ। You are the branch. और तुम डालियाँ हो। You are attached to me. और तुम मुझसे जुड़ी हुई हो। From my life. और मेरे जीवन से। My life. मेरे जीवन goes से। into your life. तुम्हारे जीवन में जाता है। My wisdom. मेरी बुद्धि। goes into the branch. वो तुम्हारी डालियों में जाता है। My power. मेरा सामर्थ। goes into the branch. वो डालियों में जाता है। My glory. मेरी महिमा। goes into the branch. वो डालियों में जाती है। So your holiness.
तो आपकी पवित्रता ही इज नॉट योर ट्राइंग वो आपकी कोशिश पे नहीं है इट्स जस्ट ड्रॉइंग वो बस है लेते जाना खींचते drawing. खींचते जाना माय स्ट्रेंथ इज इन यू लॉर्ड माय बुद्धि इन यू लॉर्ड माय पावर इन यू लॉर्ड मेरी बुद्धि तुझ में है मेरी शक्ति तुझ में है मेरा जीवन तुझ में है प्रभु हालेलुया हालेलुया व्हेन यू गेट दिस ट्रूथ जब आप इस सत्य को जान जाओगे मिल जाएगा यू टेक नेक्स्ट स्टेप आप एक दूसरा कदम लेंगे हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड कितने लोग ये बात को समझ रहे हैं लिफ्ट योर हैंड एंड से होली स्पिरिट अपने हाथों को उठा के बोले पवित्र आत्मा ओपन माय आईज मेरी आंखों को खोल से ओपन माय द आईज ऑफ माय हार्ट मेरी हृदय की आंखों को खोल होली स्पिरिट पवित्र आत्मा आई आस्क यू मैं मांगता हूं आपसे होली स्पिरिट पवित्र एनलाइटन द हार्ट ऑफ आईज ऑफ माय हार्ट मेरे हृदय की आंखों को ज्योतिर्मय कर You know now when I fast. और आपको मालूम है जब मैं अब उपवास करता हूँ. Now when I pray. अब जब मैं प्रार्थना करता हूँ. I don't pray for a change. मैं बदलाव के लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ. I pray for this revelation to come into my heart. मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये प्रकाशन मेरे जीवन में आए. Why did God choose the weak things of the world? क्यों परमेश्वर ने संसार के कमजोर लोगों को चुना? Why? क्यों? Why foolish things of the world? क्यों संसार के मूर्खों को चुना? Why the poor background people he picked up? और क्यों गरीब पर पृष्ठभूमि के लोगों को उसने चुना? The Bible says. बाइबल कहती है. That no man. कि कोई भी मनुष्य should glory in himself अपने आप की महिमा ना दे then फिर the bible says bible कहती है god put you परमेश्वर ने in christ आपको मसीह में डाल दिया in other words दूसरे शब्दों में he cut you from the wild olive plant और उसने आपको जंगली पेड़ से काट दिया olive plant और जंगली जैतून के पेड़ से काट दिया you were wild olive plant आप जंगली जैतून की डाली थे bitter olive plant और कड़वी जैतून की डाली थे cut a branch और उसने उस डाली को काट दिया and transplanted in the nice sweet olive plant और उसने जंगली डाली को काट के उसने अच्छी मिठास वाली जैतून में उसने जोड़ डाला Now you become a partaker of this good olive plant और आप इस अच्छे जैतून के सहभागी हो गए हो And you draw the sap from it और उसके अंदर से आप उस रस को ले रहे हो You saw the fat from it आप उसमें से हर एक अच्छी चर्बी को ले रहे हो And you give the sweet fruit. और आप एक अच्छे मिठास वाले फल को दे रहे हो My parents, मेरे माता पिता they brought me to the world. उन्होंने मुझे संसार में पैदा किया In sin. और पाप में My father, मेरे पिता ने cut me from that. मेरे वहां से मुझे काट दिया and transplanted in his son Jesus. और उसने मुझे अपने बेटे यीशु में छोड़ दिया. Now, अब I am a branch. अब मैं डाली हूँ. From Jesus, और यीशु से the strength flows. और वो शक्ति बहती है. The holiness flows. पवित्रता ही बहती है. The holiness flows. पवित्रता ही बहती है. The nature flows. वो स्वभाव बहता है. This is called becoming new creation. और इसको कहा जाता है नई सृष्टि बन जाना. And the Bible says. और बाइबल कहती है. Turn with me to quickly. अब जल्दी से निकालेंगे. First Peter 1. पहला पत्रस एक. First Peter 1. पहला पत्रस एक. Quick. 29. उसका उन. 29:30. First Corinthians. What did I say? First Corinthians. पहला कुरिन्थियों एक का 29 ताकि
कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। सब लोग बोलिए कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए हाँ, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। अब कहा है मसीह यीशु, कहा है मसीह यीशु में, कहा जन्म हुआ है मसीह यीशु में। डू यू नो यू हैव टू बर्थ, आपको मालूम है आपके दो जन्म हुए हैं। ओल्ड मैन, पुराना मनुष्य, माय मम्मी डैडी ब्रॉट मी, मेरे माता पिता ने मुझे लेकर के आए। At that time my heart was evil. और उस समय मेरा हृदय जो था वो बुरा था। My nature, I got it from my father. और देखिए जो मेरा स्वभाव था वो मुझे मेरे पिता से मिला था। My father got it from grandfather. और मेरे पिता को वो स्वभाव मेरे दादाजी से मिला था। Grandfather got it from another grandfather. और वो मेरे दादाजी को मेरे दूसरे उसके दादाजी से मिला, परदादा से मिला था। We all got it from Adam. और हम सबको मिला करके वो आदम से मिला। After he fell into sin. और जब वो पाप में गिर गया। Our nature was devil's nature. और हमारा स्वभाव शैतान का स्वभाव हो गया था। When Eve ate the fruit. और जब वो हव्वा ने उस फल को खाया। She gave it to the husband. और उसने अपने पति को दे दिया। Both the people ate the fruit. और दोनों जन ने उस फल को खाया। You know what happened at that time? आपको मालूम है उस समय पर क्या हो गया? It's not the fruit they ate. और वो ये नहीं था कि फल उन्होंने खाया। Satan's nature. शैतान का स्वभाव। शैतान का स्वभाव entered into Adam and Eve. वो आदम और हव्वा के अंदर आ गया। Then उसके बाद condemnation और दोष, guilt और हीन भावना। I'm not worthy. ओ मैं योग्य नहीं हूँ। मैं योग्य नहीं हूँ। परमेश्वर कमिंग और परमेश्वर आते हैं। They go and hide. वो जाकर के छुप जाते हैं। Why? क्यों? मैं योग्य नहीं हूँ। क्योंकि मैं योग्य नहीं हूँ। मैं योग्य नहीं हूँ। Will come as long as you look at your natural man. वो जब तक आएगा कि मैं योग्य नहीं हूँ, जब तक कि आप अपने साधारण मनुष्य तत्व को देखेंगे। When you see the inner man. जब आप अपने अंदरूनी मनुष्य को देखेंगे। पक्का 100% I am योग्य। और 100% मैं योग्य हूँ। Have you seen a child? क्या आपने बच्चे को देखा है? Sub inspector. और सब इंस्पेक्टर, बिग मुस्टैच, अच्छी बड़ी मुच्छी, बिग बॉडी, अच्छा बड़ा शरीर, एवरीबॉडी विल फियर, और हर कोई डरेगा। When he goes home, जब वो घर पे जाता है, the little son, और छोटा सा लड़का, डैडी आ गया, पापा आ गया, and the sub inspector carries the child, और वो इंस्पेक्टर अपने बच्चे को उठा लेता है, the child looks here, और उसका बच्चा यहाँ देखता है, and pulls the mustache, और उसकी मुच्छी को खींचने लगता है, and bites here, और इधर उधर काटता है, daddy smile, और उसका पिता हंसता है, Some of you, आप में से कुछ लोग, Some of you, आप में से कुछ लोग, प्रभु हम है पापी महान। And you look at the mustache, और आप उस मुच्छी को देखते हैं, सब इंस्पेक्टर मैं अड़ जाता हूं। That's a new creation. ये नई सृष्टि है। That's a new creation. ये नई सृष्टि है। New creation. ये नई सृष्टि है। You are a new creation. If I pinch my sister, अगर मैं अपनी बहन को चींटी काटूंगा, my daddy sub inspector comes. अगर मेरा पिताजी जो इंस्पेक्टर है वो आएंगे। Hey, why did you listen? Hey, तूने क्यों किया ऐसा? Sorry, daddy. Oh, papa, sorry. Goodbye. अच्छा लड़का गोदी में उठा लेगा। Hallelujah! I tell you, beloved. मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियों। In the new creation. और नई सृष्टि में. No condemnation. कोई भी दोष नहीं है. The more you focus on the inner man. और जितना ज़्यादा आप अपने अंदरूनी मनुष्य की ओर ध्यान को केंद्रित करेंगे. The more you become bold. उतना ज़्यादा आप हियावित बनते जाएंगे, निडर बनते जाएंगे. Before your daddy. अपने पिता के सामने. Daddy, 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 daddy. Papa, papa, papa.
When the devil comes, और जब शैतान आएगा, you don't worry, आप चिंता नहीं करेंगे. कठिन रास्ते बहुत हरे कुमार पर कतर शैतान मुझे सताता है. पास्टर सब मेरे लिए प्रार्थना कर. इसे क्या फ्रांसिस को लेटर लिखना. शैतान मुझे चताता है. इसे क्या मेरे लिए प्रार्थना करेंगे. शैतान मुझको दूर हो जाए. कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा. When God looks at the inner man, जब परमेश्वर अंदरूनी मनुष्य को देखता है, you know what's my joy? आपको मालूम मेरा आनंद क्या है? You know what's my joy? आपको मालूम मेरा आनंद क्या है? You know why I am here? आपको मालूम मैं यहाँ क्यों हूँ? You know why you are here? आपको मालूम आप यहाँ पे क्यों हैं? Do you think you are worthy to come here? क्या आप लगता है कि आप योग्य हैं कि आप यहाँ आ पाते? कितने लोग बोल सकते हैं, कितने कह सकते हैं कि मैं योग्य नहीं हूं कि मैं यहाँ आ पाता? हाथ उठाएं. You know why you came? आपको मालूम है आप यहाँ क्यों आए? You know why you came? आपको मालूम आप यहाँ क्यों आए? You know why you are alive? आपको मालूम आज जिंदा आप क्यों हैं? You know why you are still alive? आपको मालूम है आज भी आप क्यों जिंदा हैं? You know why you carry the Bible now? आपको मालूम है कि आप क्यों आज बाइबल को लेकर के चल रहे हैं? Think about your life. अपने जीवन के बारे में सोचिए. What a dirty life. कितना गंदा जीवन. What a rebellious life. कितना बलवा करने वाला जीवन. What a angry life. कितना गुस्सेल वाला जीवन. How injurious you were. और आप कितने नुकसान में थे. How many were hurt by you. और कितने द्वारा आप लोगों के द्वारा लोगों को घायल किया. Why you are still alive. आप आज फिर क्यों जिंदा हैं. Even after becoming a child of God. और परमेश्वर के बच्चे बनने के बाद. How many times you rebelled. और कितने बार आपने बलवा किया. Why are you here. आप यहाँ पे क्यों हैं. Why do you minister. और क्यों आप सेवकाई कर रहे हैं? Can I tell you one reason? क्या मैं आपको एक कारण बताऊं? God says, परमेश्वर कहते हैं, man looks at the outside, outward man. और मनुष्य मनुष्य के भारी रूप को देखता है. I God, मैं परमेश्वर, looks at the inner new heart, अंदरूनी नए हृदय को देखता हूँ. I look at the new man, मैं नए मनुष्य को देखता हूँ. So I protect him, तो मैं उसे सुरक्षा देता हूँ. So I treasure him, तो मैं उसे बचा के रखता हूँ. So I cover him, तो मैं उसे छुपा के रखता हूँ. The devil cannot touch him, और शैतान उसे छू नहीं सकता. Because it's a new creation, क्योंकि वो नई सृष्टि है. It's my breath, वो मेरी श्वास है. It's my life, वो मेरा जीवन है. I washed by the blood. मैंने अपने लहू से उसे धोया है. I have given angels to protect. मैंने अपने स्वर्गदूत दिए उसे सुरक्षा के लिए. Oh beloved. ओ मेरे प्रियो. That's why Peter says. सभी के लिए पत्रस कहता है. Sorry, Paul says. पौलुस कहता है. Hereafter. यहाँ से एक बात. Paul says that. पौलुस ऐसा कहता है. Hereafter. इसके बाद. I will not see any man. मैं किसी मनुष्य को नहीं देखूंगा. After the flesh. शरीर की रीति पर. Did you understand? आप लोगों को समझ में आ रहा है? In other words, दूसरे शब्दों में, I will not look at the natural man. मैं बाहरी मनुष्य तत्व को साधारण मनुष्य को नहीं देखूंगा. Hereafter. इसके बाद. Even Jesus. और यीशु भी. I will not see him as a natural man who came 2000 years ago. मैं साधारण मनुष्य के तौर पे उसे नहीं देखूंगा कि जो 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आया था. I will see him as a new creation. मैं उसको देखूंगा एक नई सृष्टि के तौर पर. If I see myself, अगर मैं अपने आप को देखूंगा, as a old man, कि मैं पुराना व्यक्ति हूँ, dirty man, गंदा व्यक्ति हूँ, I can never live victorious. मैं विजय जीवन नहीं जी सकता. क्या आप अपने जीवन में प्रतिदिन परमेश्वर की विस्फोटक शक्ति को देखना चाहते हैं? क्या आप प्रतिदिन अलौकिक जीवन शैली का आनंद उठाना चाहते हैं? क्या आप प्रतिदिन परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में बढ़ते देखना चाहते हैं? स्वयं को प्रतिदिन मसीह में होकर देखें, दैनिक साधना, यह पुस्तक निश्चय ही आपके लिए है. अभी खरीदे और आशीषित हो.